हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके फॉर एग्ज़ाम। आज हम बात करेंगे फेमस बुक और उनके ऑथर के बारे में, जो कि आरआरबी एनटीपीसी जूनियर, आरआरबी जूनियर इंजीनियर और जो भी ग्रुप डी और एसएससी के एग्ज़ाम है, सारे एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट पंचतंत्र? तो पंचतंत्र किसने लिखी? ये लिखा है विष्णु शर्मा ने। तो फर्स्ट आंसर इसका हो जाएगा विष्णु शर्मा। उसके बाद एक क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र वॉज रिटन बाय? तो ये किसने लिखा अर्थशास्त्र? ये लिखा चाणक्य। चाणक्य को और क्या बोलते हैं? कौतिल्य भी बोलते हैं। तो जो भी दिया वो लगाना, चाणक्य या कौतिल्य एक ही बात है। उनका चाणक्य का नाम क्या? कौतिल्य भी था, उनको कौतिल्य भी बोलते थे। उसके बाद एक क्वेश्चन है, हु रोट द एपिक महाभारत? तो ये किसने लिखी? ये लिखी वेद व्यास ने। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, वेद व्यास। उसके बाद एक क्वेश्चन है फोर्थ नंबर, हु रोट रामायण? तो ये किसने लिखी? वाल्मीकि। इसका आंसर होगा बी ऑप्शन, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका। उसके बाद एक क्वेश्चन है, मेघदूत इज ए लिरिक पोयम रिटन बाय? तो इसका आंसर हो जाएगा कालिदास, बी ऑप्शन करेक्ट होगा इसका आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सिक्स नंबर, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुक हर्षचरित? तो इसका आंसर हो जाएगा बाण भट्ट, बाण भट्ट इसका आंसर हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, महाभाष्य वॉज रिटन बाय? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला पतंजलि, पतंजलि इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। उसके बाद एक क्वेश्चन है, हु रोट गीता गोविंद? तो मैंने इसमें सारे इंपॉर्टेंट लिए हैं ना, सारे सारे इंपॉर्टेंट है। हु रोट गीता गोविंद? तो ये किसने लिखा? ये लिखा जयदेव, फर्स्ट वाला जयदेव। उसके बाद एक क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ अष्टाधायी, अष्टाध्यायी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा पनिनी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन टेंथ नंबर, हु वॉज द ऑथर ऑफ द बुद्ध चरित? तो इसका आंसर हो जाएगा अजबेगोस, फर्स्ट ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इलेवेंथ नंबर, द ऑथर ऑफ द बुक इंडिका बॉस? तो इसका आंसर होगा मेगेस्थिनीस। ये क्वेश्चन बहुत बार आता है एग्जाम में। उसके बाद एक क्वेश्चन है ट्वेल्थ नंबर, हु रोट वाई आई एम एन एथिस्ट? तो इसका आंसर हो जाएगा भगत सिंह, जो अपने देश के लिए शहीद हुए थे वो, इसका आंसर हो जाएगा सी वाला भगत सिंह। मैंने हिस्ट्री के भी लिए हैं इसमें, मैंने ये बहुत मतलब नई नई बुक भी ली है, हिस्ट्री वाली भी ली है इसमें, तो सभी कॉम्बाइन है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन थर्टीन नंबर, द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है फोर्टीन नंबर, द डिस्कवरी ऑफ इंडिया बुक रिटन बाय? तो इसका आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, ए ऑप्शन। उसके बाद एक क्वेश्चन है फिफ्टींथ नंबर, हु इज द ऑथर ऑफ द ऑटोबायोग्राफी द इंडियन स्ट्रगल? तो इसका क्या आंसर हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है, हु इज द ऑथर ऑफ अनहैप्पी इंडिया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया बिन्स फ्रीडम बुक ऑथर इज? तो इसके ऑथर कौन है इंडिया बिन्स फ्रीडम बुक के? तो इसका आंसर हो जाएगा अबुल कलाम आज़ाद, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद एटीनथ नंबर क्वेश्चन है, आनंद मत इज ए बंगाली फिक्शन, फिक्शन रिटन बाय? तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एटीनथ नंबर, हु रोट गुलाम गिरी? तो इसका आंसर हो जाएगा बी वाला, ज्योति राव फुले, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद एक क्वेश्चन है, हु रोट द बुक वाई सोशियलिज्म? तो इसका आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण, फर्स्ट वाला। दोस्तों अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ, जो टर्बुलेंट, टर्बुलेंट ईयर्स ये किसने लिखी है? द टर्बुलेंट ईयर ये बुक किसने लिखी है? द टर्बुलेंट ईयर्स इस बुक का बताना है, आप ये किसने लिखी कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करना, द टर्बुलेंट ईयर्स बुक किसने लिखी है बताना। और एक ये बताना, सिटीजन दिल्ली माय टाइम्स से माय लाइफ इस बुक की ऑथर कौन है, तो ये भी बताना। तो दो बुक मैंने पूछा, इनके आंसर बताना आप कमेंट बॉक्स में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल इज ए बुक रिटन बाय? तो इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी, सी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर वाला, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक द फर्स्ट इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 से 1859? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा कार्ल मार्क्स, कार्ल मार्क्स।
इसको याद रखना, द फर्स्ट इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस, ये पूरा है ना, ये याद रखना। अभी इसी से रिलेटेड एक दूसरी बुक आएगी, एक बुक ये आ गई द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस बुक रिटन बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा विनायक दामोदर सावरकर, बीडी सावरकर। तो इन दोनों में डिफरेंस ये आप देख लेना, जो मैंने अभी ऊपर था 22 और 23, तो ये डिफरेंस इसमें। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन 24th नंबर, द काजेज ऑफ द इंडियन रिवोल्ट बुक रिटन बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा सैयद अहमद खान, ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, हु इज ऑथर ऑफ गीता रहस्य, तो इसका आंसर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, बाल गंगाधर तिलक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर, राइज ऑफ द मराठा पावर बुक रिटन बाय, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा महादेव गोविंद रानाडे, एम जी रानाडे शॉर्ट में, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 27th नंबर, एग्जाम वेरियंस, ये एक क्वेश्चन हर एग्ज़ाम में आ रहा है आजकल, ये किसने लिखी है ये बुक, ये लिखी है नरेंद्र मोदी ने, नरेंद्र मोदी इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ए सेंचुरी इज़ नॉट एनफ बुक रिटन बाय, तो किसने लिखी, ये लिखी सौरभ गांगुली ने, जो कि क्रिकेटर हैं। उसके बाद एक क्वेश्चन है 29th नंबर, प्लेइंग इट माई वे इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन क्रिकेटर, तो इसका आंसर हो जाएगा सचिन तेंदुलकर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 नंबर, द बुक टाइटल्ड 281 एंड बियॉन्ड इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन क्रिकेटर, तो इसका आंसर हो जाएगा VVS लक्ष्मण, डी ऑप्शन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इम्परफेक्ट बुक रिटन बाय विच क्रिकेटर, तो इसका बताना किस क्रिकेटर ने लिखी, ये लिखी है संजय मांजरेकर ने। दोस्तों इस वीडियो में मैंने सारे इंपॉर्टेंट लिए हैं, इसलिए आप इसको पूरे अच्छे तरीके से पढ़ना। और एक जो सेन बार ने एक वो लिखी, उसका नाम क्या है बुक, नो स्पिन, उसका नाम है नो स्पिन, ये याद रखना एक। उसके बाद एक क्वेश्चन है द बुक एस अगेंस्ट ऑड्स इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच इंडियन टेनिस प्लेयर, तो इसका आंसर हो जाएगा सानिया मिर्जा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है माय अनफॉरगेटेबल मेमोरीज इज द ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो इसका आंसर हो जाएगा ममता बनर्जी, या अभी कुछ 10-15 दिन पहले किसी एग्जाम में आया था ये क्वेश्चन भी, ममता बनर्जी इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर बुक रिटन बाय, तो इसका क्या आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा शशि थरूर, ये याद रखना। अभी एक और इससे थोड़ा मिलता जुलता नाम आएगा, लेकिन कन्फ्यूज़न होता है इससे लोगों को, पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर बुक किसने लिखी, ये लिखी शशि थरूर ने, तो ये याद रखना। अब दूसरी एक आई है द एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, तो ये याद रखना, एक्सीडेंटल थी वो पैराडॉक्सिकल थी, तो एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर बुक रिटन बाय ये किसने लिखी, ये लिखी संजय बारू ने। ये दोनों क्वेश्चन आए थे अभी RPF के एग्ज़ाम में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विंग्स ऑफ फायर एंड ऑटोबायोग्राफी ऑफ, तो किसकी ऑटोबायोग्राफी, ये है ए पी जे अब्दुल कलाम, बी ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37th नंबर, द कोलिजन ईयर्स बुक रिटन बाय, तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा प्रणब मुखर्जी, इसका आंसर होगा ए ऑप्शन, इसका करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु इज़ ऑथर ऑफ हिट रिप्रेस बुक, तो इसका आंसर आएगा सत्या नडेला, डी ऑप्शन इसका आंसर होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अनस्टॉपेबल माय लाइफ सो फार इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ, इसका आंसर हो जाएगा मारिया सरापोवा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा, मारिया सरापोवा। उसके बाद लास्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत बार आ चुकी है एग्जाम में, आई डू व्हाट आई डू बुक रिटन बाय, तो इसका आंसर हो जाएगा रघुराम राजन, इन्होंने लिखी ये बुक रघुराम राजन, ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा उसके आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर देना। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।